गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम क्लास थ्री में मैथ्स में देखेंगे अगला चैप्टर। मनी में हम लोग देखते हैं आगे से क्वेश्चन का। इससे हम लोग पिछले सप्ताह रुपये के बारे में, पैसे के बारे में जाने थे और कुछ कन्वर्सन के विषय में, रुपया से पैसा में और पैसा से रुपये में चेंज करने के विषय में लोग देखे। तो आगे फिर आप देखते हो सर, पैसे एज संबंध ऐसे ही है। टू डिजिट के नंबर में कैसे लिखते हैं पैसा को उसको देखते हैं। जैसे आपको 7 पैसा है, आज कैसे लिखा जाएगा 0.07 पैसा, ठीक है। इसको 7 पैसा को क्या रखेंगे, 0.07 पैसा। जैसे ही 1 पैसा हो जाएगा 0.08 पैसा, ठीक है। इस तरह से अपन पैसा को दो डिजिट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा है कन्वर्सन में, सबसे पहले चेंज किया जाता है रुपया से पैसा, रुपये टू पैसा। सब लोग कहते हैं 1 रुपीज है तो पैसा में चेंज करना है, तो वो जानते हैं 1 रुपीज होता है 100 पैसा का होता है, ठीक है। 1 रुपीज कितने का होता है, 100 पैसा का होता है। तो इसमें हम लोग 1 रुपीज कितने का हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 रुपया होता है 100 पैसा का, तो उसी तरह से 1 रुपीज हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100 पैसा, है ना। 100 पैसा हो गया। पैसा को हम शॉर्ट में क्या लेते हैं, 3 लिखते हैं, ठीक है। पैसा को छोटा कहते हैं 3 लिखते हैं। फिर उसी तरह से दूसरा नंबर में पैसे क्या देखते हैं, लोग नोटिस पाए पैसा, है ना। जैसे 13 रुपीज है, 45 पैसा है, 14 करना है पैसा में, 13 रुपीज को चेंज कर देंगे, 45 पैसा उसमें ऐड कर देते हैं। इसको तो 13 रुपीज हो जाएगा 100 पैसा, है ना, प्लस 45 पैसा हो जाएगा, बाकी 100 पैसा प्लस 45 पैसा इसको टू 45 पैसा। ये आपको इस तरह से पहले रुपया करना, रुपया पैसा एक साथ करेगा इस तरह से, ठीक है। और तीसरा नंबर में है, चौथा नंबर आप फर्स्ट है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ नंबर में आपका है। क्वेश्चन है आपका 25.60 और वो पैसा रुपया में अलग करके लिखना है। ये दूसरा जो देख रहे हैं, पॉइंट जो है पॉइंट से पहले रुपया का है,
पार्ट है, ये पैसा का पार्ट है ना, ये हो जाएगा पैसा का पार्ट, ये हो जाएगा रुपया का पार्ट है ना, रुपया का पार्ट है। इसको आरएस लिखते हैं जोन में, आरएस है ना, रुपया का पार्ट हो गया, पैसा का पार्ट हो गया, दोनों को अलग अलग कर देंगे, 25 रुपीज देंगे और 7 पैसा 60 पैसा हो गया। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, कन्वर्सन इस तरह से आपका है और पॉइंट में दिया जाएगा, उसको अलग अलग करके, लेकिन डिस्पल के बाद जो है पॉइंट के बाद आपका पैसा होगा, पॉइंट से पहले रुपया होगा पॉइंट, ठीक है, इस तरह से लोग लिखते हैं। और एक और क्वेश्चन है जो फाइव में है, जैसे आपको रुपया है आपका 1875 पैसा, तो हम लोग चेंज कर देंगे रुपया पैसा, पैसा को लिखते हैं शॉर्ट में इवॉल्व 75 पैसा, 1875 पैसा है ना, उसको हम लोग रुपया पैसा में अलग अलग करेंगे है ना, इस तरह से अलग अलग हम लोग करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, जिसमें राइट साइड से हम लोग गिनेंगे 75 है तो 18 75 में राइट साइड से यहाँ जिसमें बढ़ा देंगे है ना, दो आप छोड़ देते हैं ना, इधर दो वन स्पेस है ना, यहाँ पे इसमें बैठा देंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे 21 लिख देंगे ऐसे, ठीक है, 21 का साइन है आपको बताओ हुआ सवाल बताया था, 21 का लिए है आपका, यह है हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, पहले जो है हम इसको आरएस के तहत से आरएस 4 आरएस 5 10 पैसे करते हैं, अब जो है 5 पैसे लिखे हैं है ना, 21 10 जो भी लिखना पड़ेगा ये साइन आपका लेना होगा है ना, ये साइन आपका मान्य है वेलिडेबल है ना। तो अब इस तरह से देखते हैं कि और मॉडल 875 पैसा को रुपया और पैसा लिखने का तरीका, देखिए 18.75 सुन सकते हैं 18.75 पैसा ऐसे लिख सकते हैं इसको है ना, इसको जो है अलग करके ऐसे लिख सकते हैं लोग, 21 है 18.25 लिखी है 75 पैसा है 75 पैसे यहाँ पर लिख दिया गया, जैसे आपका मर्जन कुछ है। और आगे फिर देखते हैं जैसे कि पैसा का 1 रुपया होता है ना, इसको हमेशा याद रखते हैं, और ये ठीक नंबर हमेशा इसको याद रखना है, 1 रुपये कितने का होता है 100% होता है, इसी पे डिपेंड बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा और ऐसे ही बनेगा। तो हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन इसमें कन्वर्टिंग अमाउंट्स इनटू वेरियस डिनोमिनेशंस, अलग अलग पैसे को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे अमाउंट को रुपया या पैसा, देखते हैं मैं सिखाते हैं, यह फोन में है रुपीज आपका है 34
जमा ही पैसा मैं इसलिए निकालना है क्या आपको नंबर ऑफ हाई पैसा नोट्स हाई पैसा वन यानी क्या होता है 34 रुपीज जो है 34 रुपीज 50 पैसा में हाई पैसा का पॉइंट कितना हो इस तरह क्वेश्चन आता है हाउ मेनी हाई पैसा पॉइंट इन जो भी है 20 रुपीज 50 रुपीज ये भी आ सकता है इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन है ना यानी कि 34 रुपीज 50 पैसा में हाई पैसा का पॉइंट कितना है हाई पैसा का पॉइंट तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे इसलिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसको डिवाइड तो हमने पढ़ा हुआ क्लास में इस चैप्टर में और 34 और इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें हम इसको दे देंगे यहाँ पे और इसको डिवाइड कर देंगे इसलिए ठीक है इस तरह के क्वेश्चन से आएगा कितना हाउ मेनी नंबर ऑफ हाई पैसा पॉइंट मतलब फाइंड करना है पता करना है 5 पैसा का क्या पैसा गुना होगा तो इसको हम लोग 5 से डिवाइड करके निकाल लेंगे देखिए 5 से 34 डिवाइड होगा 5 से हम क्या 35 ज़्यादा आता है 5 6 से 10 है ना 5 से क्या 37 से 35 ज़्यादा होगा 6 टाइम्स हो जाएगा 4 का 4 हो जाएगा और 3 कट जाएगा देखिए कि इस पर यहाँ पर होगा इसका काम हमने कर लिया सबको जैसे सीधे उठाया कर या हाँ इसे भी कर सकते हैं और ये हाइप है हाइप यहाँ पर हो जाएगा हाइप ले लिया 45 कट गया 600 इसको 98 है इसमें हम हटा देंगे तो कितना जाएगा कट गया यहाँ पे जीरो टैक्स में जो है जीरो बढ़ा देंगे जीरो यहाँ पर कटेंगे जीरो टैक्स में क्या बढ़ा देंगे जीरो बढ़ा देंगे घट गया कितना इसमें 600 बढ़ा देंगे कितना नंबर हो गया 690 पैसा हो गया 3450 पैसा है ना 3450 पैसा में सो जीरो पैसा में चेंज करके तो पैसा हो गया कितना 5% पॉइंट हुआ 5% पॉइंट जो हो जाएगा 690 690 इतना 5 हो गया इस संख्या हो गया है ना इतना नंबर हो गया ठीक है उस तरह से कोई भी जब 10 पैसा का निकालना है यहाँ पर 10 पैसा रहता है हाई को बदल कर रखा है 10 रहता या 20 रहता या 50 रहता सीधे सीधे उसको डिवाइड करेंगे इससे और निकल जाएगा इसके साथ ठीक है आंसर आपका ये नंबर 9 ठीक है तो इससे हम आगे निकालेंगे और इसमें क्या क्या दूसरा भी 34.51 सबसे पहले चेंज कर देंगे 34.51 है ना इसको डिवाइड करें तो निकल जाए क्या पसंद चेंज करने के उपरान है तो उसको डिवाइड कर देंगे 5 से सो 10 से 5 से बच्ची है ना उसको 10 से कर देंगे जैसे बताया यहाँ पर 10 से रखते हैं10 से 10 25 5 पैसा का पॉइंट
Okay. Have a nice day.